दोस्तों गेस व्हाट हियर। और अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी है मेरी तो आप लोगों को मालूम होगा कि पिछले 100 साल के अंदर हमने काफी सारे अटेम्प्ट कर लिए हैं फ्लाइंग कार को बनाने के लिए, लेकिन दोस्तों वो सारे के सारे प्रोजेक्ट कैंसिल हो चुके हैं या फिर वो अनसक्सेसफुल हो चुके हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम उन प्रोजेक्ट के बारे में बात करेंगे जो कि ऑनगोइंग है। मजे वाली बात तो ये है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर क्या पता आप लोगों को ये प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर भी देखने को मिले। और दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहली गाड़ी आती है टेरा फ्यूजिया, जो कि दो पैसेंजर के लिए बनाई गई एक हाइब्रिड कार है जो कि अपने पंख फोल्ड करके रोड पे चल सकती है और हवा में उड़ भी सकती है। इसके ऊपर काम 2006 से चालू है और माना जाता है इसकी सेल्स प्राइस होगी $4 लाख। दूसरी गाड़ी है पेल्वीट लिबर्टी, ये भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग कार है। तीन टायर वाला ये जायरोकॉप्टर हवा में भी उड़ सकता है और रोड पे भी चल सकता है। और इसके ऊपर डेवलपमेंट का जो काम चल रहा है वो लगभग 2008 से चल रहा है और जब ये मार्केट में लॉन्च होगा तो इसका सेल का प्राइस होगा लगभग $6 लाख। और अगर आप लोग इनमें से किसी चीज को खरीदने की सोच रहे हो तो मेरे को भी गिफ्ट कर सकते हो। अभी तक मैंने आप लोगों को जो दो कार के बारे में बताया उन दोनों की प्रोग्रेस जो भी एविएशन के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो भी एविएशन की टोयोटा के साथ पार्टनरशिप के बाद इसकी स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जो भी एविएशन एक यूएस बेस्ड कंपनी है। दोस्तों ये जो व्हीकल बना रहे हैं ये व्हीकल काफी ज्यादा खास है क्योंकि ये वर्टिकली टेक ऑफ भी हो सकता है और लैंड भी हो सकता है, यानी रनवे की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं। मजे की बात यह है कि ये एक ईबी व्हीकल होने वाला है, लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि इसे एज अ टैक्सी सर्विस यूज किया जाएगा। जो भी एविएशन का एम काफी ज्यादा सिंपल है, ये टैक्सी सर्विस प्रोवाइड करना चाहते हैं जो कि काफी ज्यादा क्लीन और फास्ट हो। अगर जो भी एविएशन से आप लोगों को काफी कम उम्मीद है तो इनका पास्ट रिकॉर्ड देख लीजिए, क्योंकि इन्होंने नासा के साथ भी काफी बार कोलैबोरेट किया है, चाहे लीपटेक हो या फिर X-57 मैक्सवेल। दोनों ही प्रोजेक्ट से ये समझ चुके थे कि इलेक्ट्रिक प्रोपगेशन फॉर एयरक्राफ्ट काफी ज्यादा बेनिफिशियल। केवल इतना नहीं, इसके अलावा भी इन्होंने काफी सारे चैलेंजेस लिए हैं और उनमें सक्सेसफुली विक्ट्री प्राप्त की है। और उनमें से भी जो काफी ज्यादा फेमस है उसका नाम है बोइंग पर्सनल एयर व्हीकल। वैसे तो इनका प्रोजेक्ट जो भी एविएशन इविटॉल काफी ज्यादा सीक्रेट था, लेकिन 2020 के अंदर ये रिवील हो गया। अगर आप लोग इसके प्रोटोटाइप के ऊपर नजर डालें तो आप लोगों को मालूम चलेगा कि इसके अंदर है 6 टिल्टिंग प्रोपेलर्स। इसका फायदा ये है कि आप लोग काफी कम जगहों पे इसको टेक ऑफ और लैंड करा सकते हो, यानी वर्टिकली लैंड और साथ ही साथ वर्टिकली लॉन्च। कार की तरह इसके अंदर 4 लोग बैठ सकते हैं। क्योंकि ये एक ईवी व्हीकल है तो ये एक रेंज देगी 150 माइल्स की और साथ ही साथ इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी 200 माइल्स पर आवर, लेकिन अभी भी इसके अंदर लिथियम आयन बैटरी लगेगी। और दोस्तों अगर आप लोगों को इस टैक्सी के अंदर घूमना है तो आपको 2024 तक का वेट करना पड़ेगा। माना जाता है तब तक ये लॉन्च हो जाएगी और ये सब अर्बन और अर्बन एरिया के अंदर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, जहां आप लोगों को ऑर्डर करना पड़ेगा या फिर बताना पड़ेगा। और इनका मानना है कि सबसे पहली पार्टनरशिप इनकी होने वाली है उबर के साथ में, क्योंकि उबर के साथ आप लोग इसको बुक कर सकते हैं और जहां से आपको जहां जाना है वहां आप लोकेशन डाल सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को ये काफी ज्यादा सस्ता पड़ने वाला है। इनका ये मानना है कि अगर आप लोगों को 25 माइल के दायरे के बाहर अगर आप लोग कार रेंट करेंगे उससे काफी ज्यादा सस्ता होगा, क्योंकि दोस्तों इन लोगों ने टोयोटा के साथ पार्टनरशिप कर दिया है जो कि आज के टाइम पे काफी ज्यादा लीड कर रही है, तो आप लोग मान सकते हैं कि इनका काम काफी जल्दी निपट जाएगा। टोयोटा ने इन्हें काफी ज्यादा फंड भी दिया है जो कि है लगभग $394 मिलियन, मतलब इतना तो बहुत ज्यादा हो गया। साथ ही साथ टोयोटा ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग की टेक्निक भी इनके साथ शेयर करेंगे, यानी मैन्युफैक्चरिंग में इनकी हेल्प करेंगे जिससे ये कहीं ना कहीं कॉस्ट बचा सकते हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग में। बाकी डिजाइन तो इसका काफी ज्यादा तगड़ा है ही। तो आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये कभी इंडिया में लॉन्च होगा और अगर होगा तो कब तक होगा? बाकी अगर आप लोग घूमने जा रहे हो तो मैं भी आ रहा हूँ। सब्सक्राइब। कि जब मैं हद से आगे बढ़ गया था आशिकी में, यानी जिंदगी को ले रहा मजाक ही में, फिर मजाक ही में मिल गया सफा कहीं में, छू कर आया मंजिल।